हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडल कोचिंग। माय नेम इज कृष्णकांत सिंह मुंदेला। मैक्रो इकोनॉमिक्स बिजनेस साइकिल मॉडल्स के हिंदी के पार्ट 5 में आप लोगों का स्वागत है। इस पार्ट में हम स्कम्पटर्स इनोवेशन थ्योरी पर डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही हम एक और थ्योरी भी पढ़ेंगे जो एक मिनट ही लेगी, उसका नाम है साइकोलॉजिकल थ्योरी। ये पीकू के द्वारा बनाई गई है। और स्पेशल नोट कि ये एक एपिसोडिक एक्सप्लेनेशन है, इसलिए पार्ट 1 से अगर आप देख रहे हैं इसे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। स्टार्ट करते हैं। इनोवेशन थ्योरी बाय जोसेफ ए स्कम्पटर। स्कम्पटर के अनुसार इनोवेशन ही एक मेन सोर्स है ट्रेड साइकिल को लाने वाला, यानी ट्रेड साइकिल की जो फ्लक्चुएशंस हैं अप एंड डाउन वाले, वो इनोवेशंस की वजह से आते हैं। इनोवेशन एक तरीके का ओरिजिन है इन ट्रेड साइकिल्स का, ऐसा स्कम्पटर का कहना था। वो इनोवेशन को भी डिफाइन करते हैं। इन्वेंशंस क्या होती हैं, जो डिस्कवरीज साइंटिस्ट लोग करते हैं उनको हम इन्वेंशंस कह देते हैं, है ना। लेकिन इनोवेशन उन्हीं इन्वेंशंस को जब हम अप्लाई करते हैं अपनी बुद्धि से एक नए तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं इनोवेशन, यानी इन्वेंशंस का नए तरीके से इस्तेमाल करना। और जब ऐसा होता है तो फिर आता है साइक्लिक फ्लक्चुएशंस, यानी अप एंड डाउन। यानी कि इन्वेंशंस की वजह से साइक्लिक फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं, आते हैं उनके एप्लीकेशन की वजह से, जिसको हम इनोवेशन कहते हैं। क्लियर? इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एमआरआई स्कैन मीट्स एंटरटेनमेंट। आपने एमआरआई स्कैनिंग की मशीन देखी होगी जिसमें पूरी बॉडी का स्कैन होता है। उसको बच्चों के खेलने की एक मशीन के रूप में भी बदला गया है कि बच्चे इसमें कुछ पिक्चराइजेशन देख लें या कुछ देख लें इसके अंदर जाकर, मशीन के अंदर। तो इस तरीके से एक एंटरटेनमेंट के लिए भी वो स्कैनिंग मशीन बनाई गई है। एक और चीज़ है, अपन ने जो बचपन में रिमोट कंट्रोल से गेम्स वगैरह खेले हैं या अभी भी खेलते होंगे, उसका इस्तेमाल आजकल ऑटोमेटिव कार्स में होने लगा है जिसमें गियर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक इनोवेशन है नए तरीके से उसका इस्तेमाल करना। वो ऑलरेडी है, इन्वेंटेड है, लेकिन उसको नए तरीके से इस्तेमाल करना, दैट इज इनोवेशन। और ये इनोवेशन लाता कौन है, और ये इनोवेशन किस किस तरीके से हो सकता है? सपोज एक नया, कोई नया ही गुड पैदा कर दिया जाए, जैसे कि आजकल जियो का 4G आया है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है इसका कि एक नया मेथड चालू कर दिया जाए प्रोडक्शन का, नया तरीके से उसको प्रोड्यूस किया जाए, कोई नया मेथड, जैसे हेयर ड्रेसर्स होते हैं, टेलरिंग के लिए इस्तेमाल करने वाली जो मशीन्स होती हैं उसमें भी नया तरीका इस्तेमाल होने लगा है। जो भी चीज़ आपका काम कम कर दे, मार्केट ही नया बन जाए। बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो अपना मार्केट पूरा खत्म कर चुकी हैं अपने अपने देशों में, अब वो नए नए देश ढूंढती हैं ताकि वहां उनका नया मार्केट बने। डिस्कवरिंग ऑफ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, जैसे जापान हमारे यहाँ से लोहा लेता है, स्टील की चीज़ें बनाता है और हम ही को बेच देता है, तो रॉ मटेरियल का सोर्स नया डिस्कवर करना, ये भी एक इनोवेशन है। चेंज इन दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंडस्ट्री लाइक द क्राइटेरियन ऑफ ए मोनोपोली ट्रस्ट और कैटल। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या इंडस्ट्री का चेंज होना, मोनोपोली बनाना, अपना एक अलग से ट्रस्ट बनाना, है ना, या किसी की मोनोपोली को तोड़ देना, इस तरीके का भी काम इनोवेशन में आ जाता है। तो होता क्या है कि इनोवेशन मेनली एक एजेंट के थ्रू होता है, और वो एजेंट हम एंटरप्रेन्योर को कहते हैं। एंटरप्रेन्योर नहीं, हम जैसे लोग जो नया बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स ही इनोवेटर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, दो काम करते हैं। सबसे पहला काम तो उनका ये होता है कि वो नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज इकट्ठी करते हैं, ठीक है। और दूसरा काम होता है कि उनके पास होना चाहिए पैसा। वो पैसा कौन देगा उनको? बैंक। तो दो काम ये करते हैं कि एक तो उनका टेक्निकल नॉलेज और दूसरा उनके पास मनी, यानी कि मनी कैपिटल या बैंक क्रेडिट बोल सकते हैं आप उसको। किसी भी तरीके से एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है स्कम्पटेरियन थ्योरी में। इनोवेशंस और एंटरप्रेन्योर्स, ये दो इसके आधार स्तंभ है इस थ्योरी के। इनोवेशन की वजह से ही बिजनेस साइकिल स्टार्ट होती है, यानी कि जो इनोवेटर या एंटरप्रेन्योर है वो अट्रैक्ट करता है रिसोर्सेस को, और वो रिसोर्सेस उसको कहां से मिलते हैं? अलग 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 इंडस्ट्रीज से। यानी अब उन इंडस्ट्रीज में ताला पड़ने जैसी नौबत आ जाएगी और उनके सारे रिसोर्सेस ये यहाँ खिंच जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा पैसा भी दे रहे हैं और नई चीज़ भी बना रहे हैं, और इस नई चीज़ की वजह से इनके पास मनी भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, और इसकी वजह से इनके चीज़ों की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, जिसके बाद और भी एक्सपेंशन करना चाहें, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी कि सप्लाई बढ़ जाएगी डिमांड से, इतनी ज़्यादा ये लोग इन्वेस्टमेंट कर देंगे। एक तरीके का ओवर इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो आप इसको, लेकिन अभी नहीं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। और
इस तरीके से जो इनिशियल इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, कौन सा, सप्लाई एंड डिमांड का। अभी जितनी सप्लाई थी उतनी डिमांड थी, या जितना डिमांड थी उतनी ही सप्लाई हो रही थी, लेकिन अब सप्लाई ज्यादा होने लगी क्योंकि उसकी डिमांड भी बढ़ने लगी थी, तो सप्लाई हमने और ज्यादा कर दी। तो इस तरीके से इनिशियली इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, यानी डिस्टर्ब हो गया तो इसका मतलब अब चीजें सामान्य नहीं रहेंगी, अब या तो अप होगा या डाउन होगा, और चूंकि यहां पर फायदा हो रहा है इसलिए बिजनेस साइकिल का बूम पीरियड स्टार्ट होगा, और फिर एक वेव स्टार्ट हो जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी की, और इस वेव को कहते हैं प्राइमरी वेव, जहां इनोवेशन की वजह से एक्सपेंशन शुरू हो जाता है। इसके बाद आती है एक सेकेंडरी वेव, वो क्या होती है, अब जबकि इसमें फायदा हो रहा है तो दूसरे लोग भी इसको फॉलो करने लगते हैं, यानी इनके कॉम्पिटिटर्स वो ओरिजिनल इनोवेशन को कॉपी करने लगते हैं, और वो भी उसी लाइन में आ जाते हैं जिस लाइन में इनोवेशन हो रहा है। और इसके बाद मनी इनकम फिर से इंक्रीज होने लगती है और ज्यादा, और इसकी वजह से प्राइजेस और बढ़ जाती हैं, यानी कि फायदा ही फायदा होता है और आगे बढ़ती है। और चूंकि पैसा बहुत आ रहा है तो यानी कि कंज्यूमर्स के पास भी परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, और उसकी वजह से उनके डिमांड्स भी बढ़ जाते हैं, और जब डिमांड्स बढ़ जाते हैं तो प्रोडक्ट्स वो और डिमांड करने लगते हैं। तो जो नॉन इनोवेटिंग इंडस्ट्रीज हैं, जिन्होंने नयापन नहीं किया है, उनके प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ने लगती हैं, क्योंकि अब लोगों को प्रोडक्ट्स चाहिए। अगर इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो जो नॉन इनोवेटिव है उससे भी काम चलाएंगे लोग, यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी अब एक्सपैंड होने लगती है, यानी कि बूम पीरियड आ जाता है। लेकिन ये जो प्रॉस्पेरिटी का पीरियड है ये खत्म होता है जैसे जैसे वो नया प्रोडक्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो पुराने को रिप्लेस कर देता है, यानी कि जो पुराना प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम होने लगती है, और जब उसकी डिमांड कम हो जाती है तो उसकी प्राइसेस भी कम हो जाती हैं, और जब उनकी प्राइसेस कम हो जाती हैं तो प्रोड्यूसर फर्म्स जो हैं ओल्ड प्रोडक्ट्स की, वो फोर्सफुली अपने प्रोडक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी कि अब उसका उत्पादन कम कर देती हैं। और जब ऐसा होता है कि उस उत्पादन में कमी हो जाती है तो इसका मतलब है कि रिसेशन स्टार्ट हो रहा है, और इनोवेटर्स जो होते हैं जिन्होंने नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं वो भी अब पैसा आ गया है उनके पास तो रीपे करने लगते हैं बैंक्स को, जहां से उन्होंने लोन लिया था। लोन को जब देने लगते हैं तो उस समय मनी का जो सर्कुलेशन है वो डाउन हो जाता है, और उस वजह से भी प्राइजेस और प्रॉफिट्स ये दोनों डाउन हो जाती हैं। तो ये कंडीशन की वजह से रिसेशन आ जाता है, यानी एक ऐसा वातावरण आ जाता है जहां पर रिस्क और अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का वातावरण हो जाता है, और डिप्रेशन बैठ जाता है, डिप्रेशन छा जाता है, और यही वो कंडीशन होती है कि फिर इनोवेशन से लोगों को डर लगने लगता है, इनोवेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इकोनॉमी एक तरीके से डिप्रेशन की चपेट में आने लगती है, डाउनवर्ड्स की तरफ जाने लगती है। लेकिन इनोवेटिव माइंड्स तो कभी हार नहीं मानते, वो फिर से सर्च में लगे रहते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल इनोवेशन करते रहें, और इसको कहते हैं डाइल्यूशन या डिफ्यूजन ऑफ इफेक्ट्स। वो क्या होता है, जैसे बैंकरप्सीज होती हैं या शटडाउन्स होते हैं या कोलैप्स होता है किसी भी इंडिविजुअल मार्केट्स का, तो ये जब होता है शटडाउन्स या बैंकरप्सीज तो बाकी लोगों का फायदा होता है। मान लो किसी एक की दुकान बंद हो गई तो दूसरा वाला उसका फायदा उठाने लगता है। जैसे मान लो, क्षमा करिएगा, एक लड़की है और चार लड़के उसके पीछे पड़े रहते हैं, चारों कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन मान लीजिए कि तीन लोगों का ट्रांसफर हो गया, किसी भी बहाने वो लोग शहर से बाहर चले गए, तो किस्मत किसकी खुली, चौथे वाले की, और भी बहुत सारे लोग जो ताड़ते रहते थे वो भी उसके पीछे पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जब बैंकरप्सीज हो जाती हैं, यानी कि लोग मैदान छोड़ के भागने लगते हैं, या शटडाउन हो जाता है, कंपनीज बंद होने लगती हैं, या किसी के मार्केट, इंडिविजुअल मार्केट कोलैप्स हो जाता है, तो बाकी लोगों के लिए ये अवसर होता है कि मैं मार्केट में एंट्री करें और फायदा उठाएं, यानी कि अदर्स फॉलो एंड इन्वेस्टमेंट सर्जेस अप अगेन इन ए स्पर्ट एंड अनदर बूम आर ऑन द वे, यानी कि फिर से बूम पीरियड स्टार्ट हो सकता है। तो इस तरीके से इस कंप्यूटर ने बताया कैसे उतार चढ़ाव होता है ट्रेड साइकिल में इनोवेशंस की वजह से, मगर इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी है। पहला तो है हिज थ्योरी इज हाईली इंस्टीट्यूशनल, मतलब यह है कि टिपिकली इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क सोसाइटी का इसमें इस्तेमाल हुआ है, मतलब इनोवेटर्स या एंटरप्रेनर्स ही हैं जो सब काम करेंगे, यानी कि अगर वो कोई इनोवेशन नहीं करते हैं तो कुछ होगा ही नहीं, उनके इनोवेशन की वजह से ही ट्रेड साइकिल होती है। बड़ी इंस्टीट्यूशनल बात हो गई है, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट, तो बड़ी पर्सनल हो गई, पर्सनल एलिमेंट हो गया ये इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए। सेकेंड है इसमें क्रिटिसिज्म की
ट्रेड साइकिल को इन्होंने इनोवेशंस का ही बेस बताया है कि इनोवेशन की वजह से ही ट्रेड साइकिल होती है, मतलब और कोई दूसरा कारण ही नहीं होता, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। ट्रेड साइकिल के लिए जो उतार चढ़ाव होते हैं उसके लिए एक सिंगल फैक्टर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता केवल इनोवेशन, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तीसरा, ये बड़ा अनरियलिस्टिक एजम्पशन है इनका कि इनोवेशन को हम फाइनेंस करेंगे बैंक से। अरे भाई, जो इनोवेशन करना चाहता है वो अपने पैसे भी लगा सकता है, प्राइवेटली भी कहीं से लोन ले सकता है, लेकिन केवल बैंक क्रेडिट ही इसमें इस्तेमाल हुआ है जो कि गलत है। और फिर बैंक क्रेडिट भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए ना दे बैंक तो आपका पूरा प्लान ही फेल हो जाएगा इनोवेशन का। तो ये सारी क्रिटिसिज्म है। इसके बाद एक छोटी सी थ्योरी है, साइकोलॉजिकल थ्योरी, जो ऑर्थर प्यू ने बनाई है। वो ये कहती है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर मेन रीजन है ट्रेड साइकिल्स के उतार चढ़ाव का, जिसमें ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म ये दो चीजें खेल खेलती हैं, यानी कि आशावादी और निराशावादी। और ये दो खेल किस किस के बीच में होता है? बैंकर्स के और बिजनेसमैन के बीच में। यानी कि जब अच्छा समय चलता है ट्रेड का, तो उसका मतलब है कि इंटरप्रिनर्स ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी हैं, और आशावादी हैं इसलिए वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं, और प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं तो उसको देखा देखी में दूसरे लोग भी ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, आशावादी हो जाते हैं, वो भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। और जब ऐसा होता है तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। जब सभी लोग इन्वेस्टमेंट उसी चीज में करने लगेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, और जब ऐसा होता है तो चीजों के दाम गिर जाएंगे, यानी लॉसेस हो जाएंगे, और जब लॉस होता है तो एंटरप्रेन्योर्स फिर डरने लगते हैं, यानी कि निराशावादी होने लगते हैं, पैसिमिस्टिक होने लगते हैं, यानी कि अब उनको लगता है कि यार घाटा ना हो जाए, और पैसिमिस्टिक होने के बाद वो अपना प्रोडक्शन कम कर लेते हैं। इस तरीके से रेसेशन आ जाता है, यानी कि उतार चढ़ाव इसमें केवल साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से आ जाता है, ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिज्म से। तो इसमें सबसे बड़ी तो ये खामी है कि कैसे ऊपर से नीचे आता है और नीचे से ऊपर कैसे जाता है, जो टर्निंग पॉइंट्स हैं उसको डिस्क्राइब नहीं किया इन्होंने, और केवल एक साइकोलॉजिकल फैक्टर के बेस पर आप ट्रेड साइकिल को नहीं बना सकते, इसलिए टोटली फेल थ्योरी थी, मगर छोटी सी थी इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। इसके बाद हम कॉब वेब थ्योरी करेंगे, जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने देश में अलग अलग टाइम इंटरवल पे उसको बनाई है इंडिविजुअली, लेकिन उसको हम पूरी समाहित करेंगे इसमें नेक्स्ट पार्ट में। दैट्स इट।